जैसे कि हमने प्रोमो में कहा था, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज ऐसी फिल्में जिनके नाम उनके मुख्य किरदार पर रखे गए हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं इस बारे में विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अगर अभी तक आपने विविध भारती के फेसबुक पेज पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की पोस्ट नहीं देखी है तो देखकर आप अपनी राय और अपनी बात वहां कह सकते हैं, लिख सकते हैं। अपने श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट शामिल करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम का पहला नगमा आपकी नजर, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद का ये गीत। और दो सवाल, आनंद और बापू मोशाय, ये दो किरदार किन कलाकारों ने निभाए? दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे, पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदाना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। आनंद फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं कि बाबू मोशाए राजेश खन्ना द्वारा अमिताभ बच्चन के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द था, और राजेश खन्ना ने आनंद की भूमिका निभाई थी, डॉक्टर भास्कर की भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई थी जो बाबू मोशाए थे। ये सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी, और इसके अलावा आज के इस विषय के बारे में बहुत सारी चीजें। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सालों पहले हीरा मोती फिल्म बैलों पर बनी थी, जिनके नाम पर ही फिल्म बनी। अमानुष सत्यकाम नूरी सीता और गीता जैसी फिल्मों के नाम उन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता है जिन्होंने जूली शारदा कन्हैया मिस्टर नटवरलाल राजकुमार प्रोफेसर ब्लफ मास्टर नूरी साधना मधुमति और प्रिंस जैसी फिल्मों के नाम लिखे हैं। एक श्रोता का कहना है कि ऋषिकेश मुखर्जी की कालजयी फिल्म आनंद को भारतीय सिनेमा की उन चंद फिल्मों में शुमार किया जाता है जिनके गानों के ऑडियो कैसेट के साथ डायलॉग के कैसेट भी खूब बिके थे। राजेश खन्ना जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को और इस किरदार को अमर कर दिया था। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित कई फिल्मों का जिक्र किया है, चूंकि आगे की पहेलियों से इसका जिक्र है, ताल्लुक है, इसलिए इसकी बातें बाद में करते हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने हातिम ताई, बॉबी, पाकिजा, उमराव जान, शाहजहां, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, वी शांताराम की शकुंतला, अमर अकबर एंथनी और राम बलराम का जिक्र किया है। और एक और श्रोता है जिन्होंने शुरू किया है, सूरज के उगने से पहले एक जमाने में भूपाली गाई जाती थी, ऐसे ही भूपाली के रचनाकार हैं जिनके नाम से एक मराठी फिल्म बनी थी जिसका नाम था हुना जी बाड़ा, फिर संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत गोरा कुंभार जैसी फिल्में, फिर राम और श्याम, आम्रपाली, चंद्रमुखी, और इस तरह से कई फिल्मों के नाम उन्होंने लिखे हैं। और उमराव जान और पाकिजा का नाम हमारी एक श्रोता ने लिखा है। और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, एक श्रोता का कहना है, जिनमें मुख्य किरदार ही फिल्म का नाम है, जिसमें उन्होंने दामिनी और आनंद का जिक्र किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कि ये गाना किस फिल्म का है और इस फिल्म में मुख्य किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया था। ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना भी नहीं, ऐसी भी बातें होती है, ऐसी भी बातें होती है, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं। गाना आप सभी ने सुना अनुपमा फिल्म का था, मुख्य किरदार शर्मिला टैगोर ने निभाया था और ये हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा और बहुत ही दिलचस्प कमेंट आ रहे हैं। और ये जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो ये एहसास भी होता है कि किस तरह से श्रोता किसी भी विचार किसी भी विषय के साथ कदम से कदम और कमेंट से कमेंट मिलाकर आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कितनी दूर की कौड़ी लेकर आते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसकी मिसाल क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल अलग फिल्म का नाम लिख रही हूं, जबक। ये फिल्म में हीरो का नाम है और वो शायद अफगानी है। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। अब जब हम मुख्य किरदार का नाम ही फिल्म का नाम है इस विषय पर सोचने चलते हैं तो बहुत सारी फिल्में याद आती हैं जिनमें से कई के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। पर ठाकुर जर्नैल सिंह जैसी फिल्म को हमारे एक श्रोता ने याद किया है। फिर हलाकू जैसे एक किरदार को हमारे एक श्रोता ने याद किया है। सत्यकाम जैसे किरदार को एक श्रोता ने याद किया है। ये कार्यक्रम को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है और इससे पता चलता है कि हमारे श्रोता कितने जानकार और समझदार हैं। अगला गाना आ रहा है, आपको फिल्म का नाम और हीरो का नाम बताना है। है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है, इतना हसी है मौसम इतना हसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। गाल मेला दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। ना जाने ये हवा
खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कुदरत ये कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। इतना हसी है मौसम, इतना हसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। आजाद फिल्म का गीत था दिलीप कुमार के अभिनय वाली ये फिल्म। और कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए भी कमेंट आए हैं, तो ये कमेंट भी सिर आंखों पर। ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि अनुपमा जो फिल्म है उसमें शर्मिला टैगोर के किरदार का नाम उमा रहता है, लेकिन इस फिल्म में एक नॉवल आता है जो अनुपमा के नाम से आता है और हीरो ये स्पष्ट करता है कि उमा ही उसकी अनुपमा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो ये लिखते हैं कि प्रेम कथा पर आधारित अगर फिल्मों की बात करें, बहुत ही सही कैटेगराइजेशन, बहुत ही सही वर्गीकरण इन्होंने किया है। तो लैला मजनू, शीरे फरहाद, सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबा जैसी फिल्में, ऐतिहासिक फिल्मों की बात करें तो सिकंदर हलाकू जैसी फिल्में हैं। और इसके अलावा आनंद, मिस्टर संपत, फंटूश, सुजाता, मधुमति भी इनकी पसंदीदा फिल्में जिनका जिक्र इन्होंने किया है। चलिए अब जरा आगे बढ़ने की बारी आ गई है। पहले हमने एक पुरुष किरदार की फिल्म का जिक्र किया और अब एक महिला किरदार की फिल्म का जिक्र। एक श्रोता है, पहले गाना सुनवाने से पहले उनका कमेंट जरूर आपको पहुंचा दिया जाए। वो लिखते हैं कि हीरो और हीरोइन के मुख्य किरदार पर आपको अलग अलग पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं और जब नाम आते हैं याद तो आते ही चले जाते हैं, भैया कितने लिखें। इसीलिए हमने आज के इस कार्यक्रम को प्रॉपर बैलेंस किया है, एक किरदार पुरुष वाला और एक किरदार महिला वाला। आपने अगर ध्यान दिया हो तो आनंद, अनुपमा, आजाद और अब हम आ पहुंचे हैं अगली फिल्म पर। आपको फिर बताना है कि ये कौन सा किरदार है और कौन सी फिल्म है और कौन सी अभिनेत्री हैं। साथ में बताइए इस फिल्म के संगीतकार का नाम।
जाने बस सपनों में खो गई अखियां, मैं तो हूँ जागे मोरी सो गई अखियां। मैं तो जागे मुरी सो गई अखियां, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो जागे मुरी सो गई अखियां। भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए और क्या डिटेलिंग हमारे श्रोताओं ने की। एक श्रोता लिखती हैं कि अनुराधा, बलराज साहनी, लीला नायडू, लता मंगेशकर, रवि, गलत। लास्ट का जो जवाब है वो गलत हो गया, संगीतकार पंडित रविशंकर हैं। और ये जवाब बहुत सारे अलग श्रोताओं ने दिया है। और एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी का नाम भी लिखा है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है पंडित रविशंकर बेहतरीन सितार वादक, गोदान फिल्म के भी संगीतकार, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग फिल्मों के नाम लिखे हैं। जैसे एक लंबी लिस्ट लिखी है एक श्रोता ने, अमर अकबर एंथनी, शहनशाह, अनीता, नूरी, जूली, आनंद, डॉन, सुजाता, गीता मेरा नाम, चांदनी, देवदास, चमेली की शादी, आम्रपाली, उफ कितनी लंबी फहरिस्त, आपकी इस मेहनत को सलाम है। और अब अगले गाने में हीरो का क्या नाम है यही आपको बताना है। और ये भी कि इस फिल्म में हीरो के एक प्रतिद्वंद्वी होते हैं, अजीत ने वो किरदार निभाया, उसका क्या नाम है ये भी बताइए। दिल को बहलाओ मेरा महबूब।
हमारे एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि अपने जमाने का सर्वश्रेष्ठ गाना है और सूरज के किरदार में राजेंद्र कुमार और फिर वैजयंती माला इस फिल्म में राजकुमारी अनुराधा के किरदार में। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई अजीत जो है उनकी भूमिका होती है राजकुमार प्रताप सिंह की। और बहुत सारे श्रोताओं के इस आशय के कमेंट आए हैं। जाहिर है कि ये फिल्म बहुत सारे लोगों ने देखी है और सबके जहन में ताजा है। आज ऐसी फिल्मों के गाने हैं जिनमें मुख्य किरदार का नाम ही फिल्म का नाम है और हम अलग अलग तरह की फिल्मों के गाने लेकर आए हैं जहां एक तरफ पुरुष किरदारों की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ महिला किरदारों की भी बातें हो रही हैं। तो अब एक मिस की बातें हो रही हैं। कौन है ये मिस और कौन सी अभिनेत्री ने ये किरदार निभाया, जरा ये गाना सुनकर बताइए। तो के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। भूल कोई दिल की आंखों की या खता है कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है। भूल कोई दिल की आंखों की या खता है कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे क्या है तू फैसला सुना दे। दिल पे किसी को अपने काबू नहीं रहा है ये राज मेरे दिल के सुना दे।
और ये गाना खत्म हुआ। मिस मैरी फिल्म का ये गाना, हमारे सभी श्रोताओं ने ये बताया कि वही 1957 में ये फिल्म आई थी। मीना कुमारी और जेमिनी गणेशन की अभिनय वाली, हेमंत कुमार का संगीत था। और बहुत सारे श्रोताओं ने मीना कुमारी के बारे में अपनी बातें लिखी हैं। सुंदर अदाकारी और गीत माधुरी न्यारी न्यारी, ऐसा भी किसी ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि आज के गाने सुनकर दिल बाग बाग हो गया है, शुक्रिया। चांदनी फिल्म को याद किया है श्रीदेवी की, इस फिल्म का एक श्रोता ने जिक्र किया है। उसके अलावा आनंद फिल्म के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है, और उस फिल्म का जिक्र तो हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए अब एक साहब चले आ रहे हैं, हालांकि हम वो गाना बजा सकते थे जिनमें ये साहब अपना परिचय खुद दे रहे हैं, पर हम वो नहीं कर रहे। हम एक गाना बजा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। आपको बताना है इस फिल्म के मुख्य किरदार और इस फिल्म का नाम क्या था और कौन थे वो अभिनेता जिन्होंने ये भूमिका निभाई थी। के न रहे कोई हमारा।
झुमरू फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार की आवाज में और इसी नाम की ये फिल्म थी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है और मधुबाला का नाम भी कई श्रोताओं ने लिखा है और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि किशोर कुमार ही बता रहे हैं कि मैं ही झुमरू हूं, मैं ही संगीतकार हूं और मैं ही गायक हूं। और एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि इस फिल्म की कहानी भी किशोर कुमार ने लिखी थी, इस फिल्म के नायक भी वही थे, गीत भी उन्होंने लिखे थे, संगीत भी उनका था और गायक भी वही थे। ये सब बातें हमारे एक श्रोता हैं उन्होंने लिखे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये गाना मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था। और चूंकि हम किरदारों के नाम पर बनी फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कालजयी फिल्म का गाना आ रहा है। हालांकि ये गाना पुरुष स्वर में है, जो इस फिल्म के संगीतकार हैं उन्हीं की आवाज में ये गाना है, पर आपको फिल्म और किरदार का नाम बताना है। पल मैं होती अमर लता तेरी, होता तुकी पल मैं होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्काती रे, सुनू मेरे साथी रे, तेरी नदिया लहर बहर करती अपने किया से मिल जाती रे, तू मेरे साथी रे, तू मेरे बंधु रे, तू मेरे मितवा, सचिन देव बर्मन की आवाज थी और ये सुजाता फिल्म का गाना था। बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब दिया है और बहुत सारे श्रोता हैं जो अपने कमेंट इस विषय के बारे में लिख रहे हैं और उन्होंने बहुत अलग अलग फिल्मों का जिक्र किया है। और सुजाता बहुत खूबसूरत फिल्म थी, नूतन और सुनील दत्त की, टीवी पर देखी थी जब रविवार को फिल्में आया करती थीं। इसके अलावा उमराव जान और पाकीज़ा जैसी फिल्मों का जिक्र भी हमारे श्रोताओं ने किया है। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ऐसी अनूठी आवाज़ है जैसे कोई फकीर गा रहा हो, 1959 में ये फिल्म आई थी, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एक बहुत ही दिलचस्प गाना आ रहा है जो हमें जिंदगी में एक सबक सिखाता हुआ आगे ले जा रहा है। आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है। अरे प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ, क्यों मेरे यार मैंने भी यार क्या बात कही थे ताली, मैंने भी यार क्या बात कही थी ताली,
जो भी करे प्यार मैं उसका यार, गलत मुझे ना समझना, मैं तो यहाँ आया हूँ मिलन के लिए, मैं सुबह शाम सबका गुलाम, इतना मगर याद रखना, बुरा हूँ बस दुश्मन के लिए, उल्फत के जो प्यासे हो तुम, चाहत का हूँ मैं भी सवाली, प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ, क्यों मेरे यार मैंने भी आज क्या बात कही दे ताली, अभी ये समां है मेहरबान, झूम के जी ले दीवाने, कैसी हाय मस्तानी रात है, जिंदगी का ले ले मजा, फिर क्या हो कौन जाने, भाई मेरे कुछ ना तेरे हाथ है, पल लहरा के चल है जिंदगी कब रुकने वाली, प्यार का समय कम है जहां, लड़ते हैं लोग कैसे वहां, क्यों मेरे यार मैंने भी आज क्या बात कही दे ताली, का लक्ष्मण फिल्म का ये गीत आपने सुना। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि रणधीर कपूर और रेखा इस फिल्म में हैं, और ये भी कि करण अर्जुन फिल्म का गाना सुनवाइए, ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और इतने सारे फिल्मों के सुझाव हमारे श्रोताओं ने दिए हैं कि भाई ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी फिल्म को शामिल किया जाए और कौन सी फिल्म को शामिल नहीं किया जाए। बहरहाल अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, और जाहिर है कि हमने जब एक पुरुष किरदार की बात कर ली तो अब बात महिला किरदार की है, और वो महिला किरदार कह रही है ये बात, तो जरा बताइए कि कौन है ये और क्या कह रही है और फिल्म का नाम क्या है। Thank you.
अनीता फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था और साधना का जिक्र हमारे श्रोताओं ने किया है। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि ये फिल्म मैंने देखी नहीं है। एक और श्रोता है जिन्हें आज का ये विषय बहुत अच्छा लग रहा है। एक श्रोता है जिन्होंने मनोज कुमार का जिक्र किया है। और इसके अलावा और भी श्रोता है जिन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं। और एक श्रोता है जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जिक्र किया है जो इस फिल्म के संगीतकार थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब आ रहा है एक बहुत ही संगीतमय गाना एक संगीतमय फिल्म से। आप फिल्म का नाम बताइए। पवन के आई बहार नैनों में नया रंग लाई बहार प्यार छलके हो प्यार छलके ओ डोले मन मोरा सजना डोले मन मोरा हो जी हो पवन के आई बाहर प्यार छलके हो प्यार छलके ओ मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी तू है जीवन सिंगार प्यार चल के झूले में पवन के आई बाहर प्यार चल के हो प्यार चल के ओ बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए कोयल कूकती जाए वन में मोर भी गाए कोयल कूकती जाए वन में मोर भी गाए छेड़े हम तुम मल्हार प्यार चल के हम तुम मल्हार झूले में पवन के आई बहार नैनों में नया रंग लाई बहार प्यार चल के। बैजू बावरा फिल्म का ये गीत था और भारत भूषण का जिक्र हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। शकील बदायूनी और नौशाद के बारे में भी लिखा है और विजय भट्ट का ये जीनियस शाहकार था ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और अब आखिरी मकाम आ गया है कार्यक्रम का तो अब आ रहा है एक ऐसी फिल्म का गाना। गाना सुनते ही फिल्म का नाम आपके जहन में आ जाएगा और आपको लगेगा कि ये फिल्म हम दोबारा देख लें। बताइए तो जरा कौन सी फिल्म है। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे संसार से भागे
चित्र लिखा फिल्म का ये गीत हमारे सभी श्रोताओं ने सुना और बहुत सारे लोगों का जवाब आया है। मीना कुमारी और अशोक कुमार की ये फिल्म, बहुत सुंदर फिल्म, बहुत सुंदर संदेश ये आप सभी ने लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए, हमारी दिलचस्प पहेलियों का जवाब देने के लिए।